सो हेलो, व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो कौन सी टॉपिक पे होने वाला है ये तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पीक का जो ब्रोकन हाउस है उस घर की ऐसी टॉप 5 सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप अपनी गेम में फॉलो करोगे तो आप उस घर के छुपे हुए किसी भी एनिमी को इजीली मार सकते हो एंड आप उस घर में इजीली कैंपिंग भी कर पाओगे। तो अगर आपको वो सारे स्ट्रेटजी जानना है तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखना होगा। एंड गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा जो सबसे पहला स्ट्रेटजी है वो है लैंडिंग के ऊपर। अब आप लोग बोल सकते हो कि लैंडिंग का क्या स्ट्रेटजी बताने वाला है। तो गाइस, आप लोग कई करते हो इधर उधर उतर जाता हो, लेकिन आपको यहाँ पे उतरना है जिस खिड़की के पास यहाँ पे दो टायर रहे थे, यहाँ से आपको सीधे अंदर घुस जाना है। एंड गाइस, आप ये लिख के ले लो कि इस खिड़की के पास यहाँ पे आपको कोई ना कोई गन जरूर मिल जाएगा। एंड कभी ऐसा भी हुआ कि घर में एक दो एनिमी भी आ गया एंड आपको गन मिल गया तो आप उन लोगों को इजीली मार दोगे। तो गाइस, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इधर उधर नहीं उतरना है, आपको नीचे नहीं उतरना है, आपको और खिड़की से नहीं उतरना है, आपको वहाँ पे उतरना है जहाँ पे ये दो टायर रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारा सेकेंड स्ट्रेटजी क्या है। तो गाइस, हमारा सेकेंड स्ट्रेटजी है कि अगर कभी घर के ऊपर आपको एनिमी दिखा तो आपको कैसे राश करना है। तो सबसे पहले आपको इस टायर की मदद से इस घर के ऊपर चले आना है एंड यहाँ से आपको नहीं घुसना है। एंड और एक जो टायर है उसके मदद से आपको इस घर के छत पे चढ़ जाना है एंड वहाँ से धीरे धीरे से इस घर के पीछे यहाँ पे चले आना है। एंड गाइस, यहाँ पे जो एनिमी रहते हैं आप उन लोगों को इजीली हेडशॉट देके खत्म कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जिस पोजीशन में मेरा टीममेट खड़ा है, अगर कभी आपको ऐसा पोजीशन में एनिमी दिखा तो आप उन लोगों को इजीली पीछे से घूम के आके मार सकते हो। तो गाइस, हमारा जो थर्ड स्ट्रेटजी है, इसमें आप लोग जब घर में कैंपिंग करते हो तो आप लोग सिंपली इस घर के इस सीढ़ी के यहाँ पे लैंडमाइन लगा देते हो। इससे क्या होता है, जब भी एनिमी ऊपर राश करता है तो वो नीचे से आके ऐसे लैंडमाइन को फोड़ देता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाना है एंड यहाँ से आके आपको इस मिडिल में यहाँ पे ऐसे ग्लू लगा देनी है। उसके बाद आपको इस थोड़ा नीचे की साइड से जंप करके इस रेलिंग के ऊपर चढ़ के यहाँ से आपको इस ग्लू के ऊपर चढ़ जाना है। एंड ग्लू के ऊपर चढ़ने के बाद आपको लैंडमाइन लेके इसके ऊपर लगा देना है एंड फिर से आपको यहाँ से उतर के ये जो ग्लू वाले इसको फोड़ देना है। अब गाइस, आप देखो कि लैंडमाइन पूरा हवा में है एंड यहाँ पे अगर कोई एनिमी नीचे से आके इसको फोड़ने की कोशिश करेगा तो वो लैंडमाइन नहीं फूटेगा। यहाँ पे देखो, एक एनिमी ऊपर राश किया एंड जैसे ही वो डैमेज हो गया, मैंने भी उसको डैमेज दिया एंड उसने थोड़ा ग्लू वाला लगा के भाग गया। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फोर्थ स्ट्रेटजी क्या है। तो गाइस, हमारा फोर्थ स्ट्रेटजी है कि कभी ऐसा हुआ कि एनिमी आपके ऊपर राश कर दिया एंड आप भाग रहे हो तो आपको सीधे इस घर के ऊपर चले आना है एंड इस खिड़की से यहाँ से निकल के आपको धीरे धीरे बैठ के यहाँ पे आके आपको छुप जाना है। यहाँ से गाइस, आप इजीली अगर बैठा रहोगे तो एनिमी आपको नहीं ढूंढ पाएगा एंड यहाँ से आप इजीली जंप करके नीचे भी जा सकते हो। तो फिर से और एक बार देख लो, आपको सिंपली घर के ऊपर चले आना है एंड वहाँ से इस लेफ्ट वाले घर की खिड़की से आपको निकल के इसकी ऊपर थोड़ा साइड में जाके बैठ के यहाँ पे चढ़ जाना है। यहाँ पे गाइस, आप लोग इजीली बैठ सकते हो एंड एनिमी आपको बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा फिफ्थ स्ट्रेटजी की तरफ। तो गाइस, हमारा जो फिफ्थ स्ट्रेटजी है, यहाँ पे अगर कभी ऐसा हुआ कि पीक में आपका सारा टीममेट मर गया एंड आपको अपना रैंक बचाना है तो आप सीधे इस घर के ऊपर चले आना एंड इस कोने में आके आप यहाँ से इजीली कैंप कर सकते हो। यहाँ से गाइस, आपको कोई भी नहीं दिख पाएगा क्योंकि चारों तरफ से पूरा कवर है एंड बाई चांस अगर किसी ने आपको देख लिया तो आप इनको इजीली मार सकते हो। एंड अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे फाइट नहीं लेना है तो आप जो पीछे की जो खिड़की है वहाँ से इजीली भाग सकते हो। तो गाइस, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो में मैंने जितना भी टिप्स बताया, हो सकता है कि इसमें से कुछ टिप्स आपको पता है, तो जिन लोगों को ऑलरेडी नहीं पता मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बता दिया। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। एंड आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।